जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हब पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल। यदि आप सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सवाल नंबर वन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी आमाशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यकृत। सवाल नंबर टू, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ई एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा सी रिलैक्सिन। सवाल नंबर तीन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ई सेरिब्रम। सवाल नंबर फोर, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ई स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। आपका सही जवाब होगा सी हाइपोथैलेमस। सवाल नंबर फाइव, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता? ए कूटपाद, बी कोशिका मूह, सी सीलिया, डी गुदा द्वार। आपका सही जवाब होगा ए कूटपाद। सवाल नंबर सिक्स, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन। आपका सही जवाब होगा सी टाइलिन। सवाल नंबर सेवन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ई श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निःश्वसन। आपका जवाब होगा बी श्वासोच्छ्वास। सवाल नंबर एट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ई अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। आपका जवाब होगा बी ग्लूकोज। सवाल नंबर नाइन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ई किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका जवाब होगा बी विसरण। सवाल नंबर टेन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ई विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। आपका जवाब होगा ई विघटन। सवाल नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ई ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। आपका जवाब है सी सुक्रोज। सवाल नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ई 96th, बी 128th, सी 200 and 130th, डी 140 160th। आपका जवाब है बी 128th। सवाल नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ई पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एक्नेवाइड। आपका जवाब है सी ड्यूरामीटर। सवाल नंबर 14,
मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ए ऑप्टिक पाली, बी त्रनेन्द्रिय पाली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी ज्ञानेन्द्रिय पाली। सवाल नंबर 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।